राजस्थान दिवस पर आयोजित किया गया लाभार्थी उत्सव। प्रदेश भर से आए लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद, कहा हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को मिली नई जिंदगी। प्रदेश भर से आए लाभार्थियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं, कहा साहस शौर्य त्याग और बलिदान की गाथाएं राजस्थान की। राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर में ऐतिहासिक लाभार्थी उत्सव आयोजित किया गया। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। दानी देवी जी, आपको अच्छा लगा मुझे सुनकर के कि आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो गया, अब आप चल फिर सकती है। हाँ, बहुत चल सकती है। बहुत खुशी की बात है। हाँ, बहुत खुशी की बात। जब चल नहीं पा रही थी तो कितना कष्ट भुगत रही थी आप, अब आपका ऑपरेशन के बाद चल पा रही है। इसीलिए हमने चिकित्सा सेवा में जोड़ दिया है। राजस्थान में शिक्षा और चिकित्सा बहुत जरूरी होती है। अब आप चल भी पा रही है, आपने मुझे खुशी हुई। कई लोग आपने इतना भी करी है तो और लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत अशोक जी गहलोत जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी योजना सब बहुत बहुत सबके लिए खूब खोली। इस लाभार्थी उत्सव में प्रदेश भर के कोने कोने से 2 लाख से अधिक सम्मानित लाभार्थियों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं से आम लोगों की जिंदगी बदली है और सबको मिलकर इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने आमजन से राजस्थान को 2030 तक देश में नंबर 1 राज्य बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। जितनी योजना सरकार की है वो हर घर तक पहुंचे, लाभार्थियों का अनुभव हमें काम आए, लाभार्थियों महसूस हो हमने अगर सरकारी योजना का लाभ उठाया है तो हमारे करते बन तक हम और लोगों तक बात पहुंचाएं जो नीडी है, क्योंकि जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रयोग किया गया, 2 लाख का टारगेट रखा गया, 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, और शानदार तरीके से इंट्रैक्शन हो गया। सब तरह की जो लाभ मिले लोगों को उन्होंने शेयर किए, और मैं समझता हूँ कि अब जो लोग 2 लाख लोग आए हैं ये अपना आप में हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। हमारा मकसद है कि राजस्थान का हर परिवार अछूता नहीं रहे, हर परिवार को चिरंजीवी योजना का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सोशल सिक्योरिटी का सब लाभ मिले। क्या प्रमुख योजना? तो इसलिए मैंने कहा आपको, इतनी सारी योजना भी आपने सुनी, उन तमाम योजनाएं हमारी प्रायोरिटी पर रहेगी। हम चाहेंगे कि अब खाली योजनाएं इम्प्लीमेंट करने की बात है, इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को लेकर भी कई काम किए हैं। आईएम शक्ति उड़ान जैसी योजनाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाएं संकोच छोड़ें और आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएम शक्ति उड़ान योजना के कारण महिलाओं को कई रोगों से भी मुक्ति मिली है। ये जो उड़ान योजना उनके लिए है, लोग संकोच में बोलते नहीं है, अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं कि भाई ये तो कुदरत की देन है। उसको अगर मान लीजिए हम हर महिला, जो गरीब महिला भी है गाँव की, वो नैपकिन के पास होते नहीं है, वो साधन काम लेती है, उससे रोग फैलते हैं, बांध बन जाती है, कैंसर हो जाता है, बीमार पड़ जाती है। तो सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि संकोच छोड़ो, संकोच छोड़ो, आगे आओ, महिलाओं के हित के अंदर आप परिवार में बात करो। एक पत्रकार ने मुझे कहा कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा आप आ रहे हो बाजार से तो नैपकिन लेते आना, बहुत बड़ी बात है ये। अगर इस प्रकार की भावना हम घर घर में भर देंगे तब जाके महिलाएं सुरक्षित होगी। लाभार्थी उत्सव में प्रदेश भर से आए लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। लाभार्थियों ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को धन्यवाद कहना चाहूंगा एक सच्ची और अच्छी योजना चलाने के लिए। ऑल ऑफ सडन 2022 अक्टूबर में मेरे को मुंह का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टरों ने करीब
4-5 लाख रुपए का खर्चा बताया, जिसकी कि मेरे पास में एकदम ऑल ऑफ सडन कोई व्यवस्था नहीं थी। तभी मुझे ध्यान आया कि चिरंजीवी योजना में मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मुझे किसी ने बताया कि आप इसमें लाभ ले सकते हो। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी सरकारी योजना में ऐसा कोई फायदा मिल सकता है। मैंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना की टीम से संपर्क किया, उन्होंने कहा सर 1 से 2 दिन में हम आपको कन्फर्म कर देंगे, और 24 घंटे के अंदर वहाँ से हमको परमिशन आ गई। 17 अक्टूबर को मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और 18 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हो गया। मुझे एक भी रुपया नहीं देना पड़ा, पूरा इलाज करवाने के दौरान मुझे कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई, एक रुपया भी मेरा खर्च नहीं हुआ। तो मैं दिल से मुख्यमंत्री जी को इस योजना के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वास्तव में सच्ची योजना चलाई, ना कि एक सरकारी योजना जो केवल कागजों में चलती है और पब्लिक को फायदा नहीं होता। धन्यवाद। मैं श्री राम किला लंकापुरी शास्त्री नगर जयपुर से आया हूँ और यही निवास करता हूँ मैं करीब 40 साल से कच्ची बस्ती के अंदर। और मेरे को क्या हुआ कि 1 जून 2022 को अटैक आया एकदम 11:30 बजे और तुरंत मेरे को कामदे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से मेरे को रेफर कर दिया बांगर हॉस्पिटल मानसिंह में। वहाँ मेरा तुरंत एंट्रेन इन लोगों ने इलाज किया। चिरंजीवी योजना लागू थी मेरी और मेरे को कम से कम 4,60,000 का इन्होंने इलाज किया और निःशुल्क किया, बिल्कुल फ्री किया। मैं गरीब आदमी था, बीपीएल परिवार से हूँ, मेरे पास इतने पैसे की व्यवस्था भी नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरी जान बचा ली और मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और इनके जो ये चिरंजीवी योजना में जो भी अधिकारी हैं इनको सबको मैं मेरी तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। समीना है, मैं कनौरिया कॉलेज की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं दौसा जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरी 12th में 84% बनी थी, जिसके लिए मुझे मुख्यमंत्री कालीबाई भीली स्कूटी योजना का लाभ मिला है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ तथा इस योजना के बारे में मैं सभी लड़कियों को बताना चाहूँगी, जिसके लिए वो आगे की महाविद्यालय की पढ़ाई में उनकी सहायता हो सके तथा उनको आने जाने में कोई परेशानी न हो। राज सिंह है, मैं कल्याण नगर सीताबाड़ी से हूँ। मेरा 2 महीने पहले डेंगू का इलाज हुआ है, वो पूरा चिरंजीवी के द्वारा पूरा मुफ्त में हुआ है। मैं माननीय श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये संभव हो चुका है। इस योजना के द्वारा कई लोगों का इलाज मुफ्त में हो रहा है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कीम निकाली है। धन्यवाद। श्रीगंगानगर में भी लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जन प्रतिनिधियों और जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर लोक कलाकार श्री लतीफ खान ने लोक गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। छात्राओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर हवन में आहुति दी और प्रभु श्री राम की आरती उतारकर प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाकर समाज में समरसता और भाईचारा बनाए रखें और समाज की उन्नति में हमेशा समर्पित रहने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं राजस्थान के कण कण में रची बसी हैं। अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से राजस्थान की विश्व में एक अलग पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापना से अब तक राजस्थान ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। विकास की प्रक्रिया को लगातार गति देते हुए हमारी सरकार प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रदेश को संपन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाने में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्ते।